word onios means wine and suffix logia, study of ancient Greek language. ठीक है, so onology पढ़ लेना, viticulture पढ़ लेना, important है. नेक्स्ट अगर क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट में आपको क्या करना है, टेम्परेट रीजन क्रॉप है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई पीरियड अंडर साउथ इंडियन कंडीशन. साउथ इंडियन अप्रैल टू सितंबर एंड फ्रूटिंग लगती है इसके अंदर अक्टूबर टू मार्च. टेम्परेचर 10 से 40 डिग्री बेस्ट टेम्परेचर होता है, बेस्ट टेम्परेचर 28 to 32. और हाई ह्यूमिडिटी एंड क्लाउडी वेदर इनवाइट फंगल डिजीज. अगर हाई ह्यूमिडिटी होगी और क्लाउडी वेदर होगा तो वो क्या करेगा, फंगल डिजीज को इनवाइट करेगा. ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सोइल की तो काफ़ी वेरियस सोइल के लिए कंडीशन अडेप्टेड होती है, बट जो पीएच चाहिए इसको 6.5 to 8.5, ऑर्गेनिक कार्बन 1% होनी चाहिए एंड फ्री फ्रॉम लाइम होना चाहिए. ठीक है, और मीडियम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए. क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? चलो नेक्स्ट हम करते हैं वैरायटीज की बात. तो वैरायटीज इसके अंदर आती हैं कलर सेडेड जो वैरायटी हैं, डेटेड बेंगलोर ब्लू, गुलाबी, कश्मीर छोड़नी, कलर्ड की ब्यूटीफुल सीडलेस, शरद सीडलेस, ग्रीन सीडेड के अंदर अनाबे शाही, दिलकुश, वाइट सीडेड के अंदर परलेट, पूसा सीडलेस, तस्से गणेश, सोनाका, मनिक चमन. तो ये वैरायटीज आपको याद करनी ही होंगी. महाराष्ट्र और नॉर्थन कर्नाटका की कुछ वैरायटी याद कर लेना, सोनाका और मनिक चमन, रेड ग्लोब, क्रिम्सन सीडलेस, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शरद सीडलेस इंपॉर्टेंट है, थॉमसन सीडलेस इंपॉर्टेंट है. ठीक है, साउथ इंडियन के अंदर भी थॉमसन सीडलेस, रेड ग्लोब, सोनाका, फ्लेम सीडलेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला. तमिलनाडु के अंदर थॉमसन सीडलेस, गुलाबी, बेंगलोर ब्लू. नॉर्थ के अंदर फ्लेम सीडलेस, परलेट और ब्यूटी सीडलेस. ठीक है, अब वैरायटी की बात करें जो एक्सपोर्ट की जा रही है प्रेजेंटली, तो थॉमसन सीडलेस इम्पोर्ट की जा रही है, टैग तस्से गणेश, सोनाका, ठीक है, फ्लेम सीडलेस, शरद सीडलेस, फैंटेसी सीडलेस, जितने भी सीडलेस हैं. इरीगेटेड होते हैं, ठीक है, फ्लड इरीगेशन 5